दुनिया भर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली कोरोना महामारी से एक बार फिर देश में चिंता बढ़ने लगी है। इसकी वजह है कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं और लोगों की मौत भी होने लगी है। बुधवार 20 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 341 नए मामले सामने आए, जिनमें से अकेले केरल में 292 लोग संक्रमित हुए हैं। केरल में ही इसीलिए 24 घंटे के दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई, जिसकी वजह से चिंता बढ़ रही है। बुधवार सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेटेड आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक मरीज केरल में दर्ज किए गए। यहां 292 लोग पॉजिटिव हुए, जबकि तमिलनाडु में 13, महाराष्ट्र में 11, कर्नाटक में 9, तेलंगाना और पुडुचेरी में 4, दिल्ली और गुजरात में 3 तथा पंजाब और गोवा में 1-1 मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण को लेकर सबसे अधिक केरल में चिंता बढ़ रही है। राज्य में हुई 3 मौतों के साथ 3 साल पहले संक्रमण शुरू होने के बाद केरल में मरने वाले लोगों की कुल संख्या 72,056 तक पहुंच गई है। केरल में हाल ही में कोरोना वायरस के नए सब वेरियंट JN.1 का पता चला था। इसकी वजह से पड़ोसी राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा में भी सतर्कता बरती जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने की नसीहत दी है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ये नया कोरोना नई लहर की वजह बनेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।